मैं रिकॉर्डिंग को तो यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें एक इफ स्टेटमेंट को इस तरह लिखे हैं कि वो मैसेज प्रिंट करें द नंबर इज़ नॉट वैलिड। अब नंबर इज़ नॉट वैलिड वो जब कह रहा है कि ये कब दिखाना है कि जब इफ़ द वेरिएबल आर्स आर्स नाम का जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आउटसाइड हो द रेंज 0 through 80, मतलब 0 से लेके 80 तक में जब वो कोई वैल्यू इंटर करे तो इसको जो है वो ये मैसेज नहीं दिखाना। हाँ, 0 से और 80 से हट के कोई वैल्यू यानी कि -1 -2 इनपुट करे या फिर 80 से ऊपर 81 82 इनपुट करे तो उसको ये मैसेज दिखाना है। थोड़ा सा इसने इसको थोड़ा सा इसने क्या किया है इसको ये प्रोग्राम को उल्टा करके आपको बता रहा है। चले आएँ इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, अभी हो जाएगा ये, और जब मैं कर लूँगा तो आप कहेंगे वाह सर ये तो बहुत आसान था। तो यहाँ से भी हम अपनी इसी फाइल को सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके यहाँ पर अभी इसका नाम है 38, तो यहाँ पे चलते हैं प्रॉब्लम चैप्टर 4 और प्रॉब्लम को रख लेते हैं हम 38 के ऊपर। तो यहाँ से 38 रखा और इसको ओके कर दिया। 38 पे रख के हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, जो हमें यहाँ पे इसका टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि कहाँ चला गया वो, ओके थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं दोबारा से और उसी चैप्टर पर चलते हैं जहाँ पर हम काम कर रहे थे। रिव्यू पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम नीचे आ गए, 35, 36 और 38 आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से ले लिया कॉपी ताकि हमें दिक्कत ना हो और आपको पढ़ के समझने में आसान हो, क्योंकि लेटर में ये फाइल्स में आपको सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वेरिएबल कौन सा लेना है आर्स के नाम से। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया HOURS आर्स के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। इनपुट भी हम आर्स के अंदर ही लेंगे और चेक भी हम किसको करेंगे, आर्स को ही करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। अब कह रहे हैं इंटर आर्स, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो जब इससे हट के वैल्यू डाले तो ये मैसेज आए, यानी कि जब ये वैल्यू डाले तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो बस ठीक है, हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, अभी कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे कहते हैं इंट इफ़ आर्स, तो ये आर्स हमने सॉरी आर्स यहाँ से ले लेते हैं कॉपी, इफ़ आर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आगे क्या कह रहा है, इफ़ आर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 80, इफ एंड आर्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू 80, तो क्या करना है, तो हमें मैसेज नहीं दिखाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ के साथ इसका दूसरा पार्ट यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं एल्स, और जो मैसेज हमें दिखाना है वो यहाँ से कट करेंगे, यहाँ दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज़ इनवैलिड, यही मैसेज कह रहा है ना वो दिखाने के लिए। तो भाई जब ये वाली वैल्यू डालेंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा और जब इससे हट के कोई नंबर डालेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। चलें देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं ना इंटर, हाँ यहाँ पर हम प्रोग्राम यही लिखते हैं ना इंटर आर्स आर्स रेंज फ्रॉम 0 to 80। ठीक है, तो अभी रन करते हैं प्रोग्राम को, चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे रन किया हमने, तो देखिए अभी मैं 0 से लेके 80 के दरमियान की कोई भी वैल्यू इनपुट करूँगा, मैंने यहाँ पे 5 इनपुट किया, कोई मैसेज आया नहीं आया, क्योंकि हमने इफ के ब्लॉक में कोई मैसेज लिखा ही नहीं है, तो else वाला पार्ट रन ही नहीं हुआ कोड का। else वाला पार्ट कब रन होगा, जब मैं इसके और इससे के ऊपर की और इससे पहले की वैल्यू लिखूंगा। चलें चेक कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 83, तो 83 जो है वो अबव है 80 से, तो देखें else वाला पार्ट रन हो गया, द नंबर इज़ इन वैलिड। ठीक है, बन गया प्रोग्राम हमारा, यही कह रहा था ना वो कि इनके इनसे हट के कोई नंबर डाले तो वो दिखाए नंबर इज़ इनवैलिड। तो हमने यहाँ से कोड को स्विच कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे -10 लिख रहा हूँ मैं और इंटर कर रहा हूँ, तो देखें तब भी आ रहा है नंबर इज़ इनवैलिड, 0 से छोटा होता है -10। और अगर मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को इसी तरीके से इसके आगे, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 96.5 लिख रहा हूँ तो भी लिखा रहा है द नंबर इज़ इनवैलिड। और जब मैं इनके दरमियान का कोड डाल रहा हूँ 0 से लेके 80 के दरमियान का, तो वो मुझे कोई भी मैसेज नहीं दिखा रहा, और वही हमारे प्रोग्राम का मोटिव है और हमने ये बना दिया इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए। तो देखिए समझ में आया कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा हम जब चाहते हैं कंडीशन ट्रू हो कौन सा कोड चले तो ये चलेगा। अब कंडीशन ट्रू पे हमने कोई कोड नहीं लिखा तो वो इस कोड को क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं चला पा रहा और प्रोग्राम यहीं पर ही स्टक हो जाता है, एल्स पार्ट को नहीं चला पाता। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट को चला लेता है। तो याद रखें इफ़ की कंडीशन जब ट्रू होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाला कोड चलेगा, एल्स पार्ट नहीं चलेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट चलेगा, ब्रैकेट वाला कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी हम कोई रिजल्ट ले सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन अभी प्रोग्राम
प्रोग्राम के हिसाब से कोई रिजल्ट नहीं था, तो मैंने इसको इसी तरीके से बना दिया और ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कितने आसान से हमने ये बना दिया। ये प्रोग्राम था हमारा प्रॉब्लम 38 आई थिंक सो, हाँ तो 38 लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं।